हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गौर निताई जी की ड्रेस किस तरह से बनाते हैं वो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने ऊपर की कुर्ती बनाई है इस तरह से। ये दोनों बाजू हैं, गौर निताई जी के दोनों हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं और ये नीचे, ये मैंने धोती इस तरह से बनाई है। ये डिजाइन नीचे इसमें मैंने डाला है, सेम यही डिजाइन मैंने इसमें ये धोती में डाला है। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका नाप पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लंबाई इसकी 4 इंच की ली है और चेस्ट मैंने 2.5 इंच की ली है। बाजू की लंबाई इसमें 2.25 इंच की है। इसी तरीके से ये मैंने नीचे धोती बनाई है, इसकी लंबाई भी 4 इंच की है और कमर इसकी 2.5 इंच की है। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कुर्ता आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ मैंने चैन, ये 13 चैन डाली है और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया 13 बार किया है। तो ये डबल क्रोशिया जो मैंने 1, 2, 3 और 4 बार मैंने डबल क्रोशिया ये 4 लाइन की हैं और उसके बाद ये मैंने 5वीं बार भी इस तरह से डबल क्रोशिया किया है। तो 6ठी बार से ये छठी लाइन में ये डिज़ाइन शुरू होता है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये 13 बार चैन बनाई है। अब क्या करना है इसमें, आपको ये डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में डबल क्रोशिया करना है, पूरी लाइन डबल क्रोशिया की करनी है। ये लाइन कंप्लीट होने पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए, ये एक लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू में बॉर्डर की तरह लेना है। मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 3 यहाँ पर लिए हैं डबल क्रोशिया। तो स्टार्टिंग में इसी तरीके से डबल क्रोशिया रखना है। ये देखिए, 1, 2 और 1 ये 3। आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, डायरेक्ट भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ थोड़ा सा सेंटर में बनाया है, थोड़ी सी लुक अच्छी आती है, इस करके मैंने इसको बीच में बनाया है। अब क्या करना है, 1 चैन बनानी है इसमें और फिर यहाँ पर ये 2, ये आप देख रहे हैं, पास से दिखा देती हूँ। यहाँ 1 चैन बनानी है और यहाँ पर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर इसमें से इस तरह से निकालना है। तीसरे में से 1 डबल क्रोशिया बनाया है, 1 चैन बनाई है और फिर इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, 1 के अंदर से 2 लेना है लेकिन 2 के बीच में 1 चैन बनानी है। फिर से 1 चैन बनानी है, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है और फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन और इसी के अंदर दोबारा से डबल क्रोशिया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, 1 के अंदर से 2 डबल क्रोशिया करना है लेकिन 1 चैन करनी है बीच में। चैन हर बार करनी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर 1 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चैन करनी है। लेकिन 2 डबल क्रोशिया करना है तो 1 के अंदर से ही करना है। इसी तरीके से ये लाइन पूरी करनी है। लास्ट में ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया लेना है लेकिन 1 चैन बनानी है और इसी तरीके से डबल क्रोशिया लेना है लेकिन इसके बीच में कोई चैन नहीं बनानी। ये एक बॉर्डर की तरह रहेगा हमारा साइड में, ताकि आप इसको जब जॉइंट करेंगे आपस में दोनों पीस को, तो ये आसानी से सिलाई सीधी आएगी। अब क्या करना है कि दूसरी लाइन में हमें क्या करना है कि ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर उसी तरीके से 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया किया है और उसके बाद हमने 1 चैन बनाई थी यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अब ये जो डबल क्रोशिया मैंने किया हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, पहले 1 चैन बनानी है और फिर इसी तरीके से धागे को लेना है और ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर है इसके नीचे से क्रोशिये को इस तरह से ले जाना है और धागे को इस तरह से लेकर आना है और फिर वही डबल क्रोशिया की तरह 2 का 1, 2 का 1 कर देना है।
ये देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह से नज़र आएगी पीछे की तरफ से। और अब मैं इसका फ्रंट दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए आगे से ये इस तरह से नज़र आएगी। देखने में आपको ये बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे आपने ये सिलाइयों से बनाई है। अब मैं आपको थर्ड लाइन इसकी बताने जा रही हूँ। ये आगे की तरफ से ऐसे करेंगे, तो शुरू में जो डबल क्रोशिया तीन लिए थे हमने, आप तीन लें, दो लें, एक लें, चार लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है, बॉर्डर के रूप में आप उसको कितनी भी बार ले सकते हैं। ये तीन मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो तीन के ऊपर तीन ही डबल क्रोशिया करना है। तो ये साइड की लाइन है, इसको कैसे भी कर सकते हैं आप। अब आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ से मैंने आपको अभी बताया था, अब आगे से आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। ये एक में से दो निकाले हुए हैं, फिर उसके बाद ये किया हुआ है, तो इसी के ऊपर से आपको फिर से यही करना है जो आपने यहाँ किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर करना है। तो क्या करना है, एक चैन बनानी है फिर से, फिर इसके एक के अंदर से ही दो डबल क्रोशिया निकालने हैं, लेकिन चैन हर बार बनानी है। ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बीच में एक चैन बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ, ये देखिए उसी तरीके से लाइन आ गई है, सेम ये डिजाइन आ गया है जो मैंने इसमें बनाया है। अब क्या करना है कि ये और बता देती हूँ मैं आपको, नीचे मैंने ये फ्रिल बनाई है, आप चाहे तो फ्रिल ना भी बनाएं, ऐसे ही कर सकते हैं सीधा सीधा बिल्कुल। तो ये फ्रिल मैं आपको बता रही हूँ, ये लाइन पूरी होने पे मैं आपको फ्रिल बता देती हूँ। ये देखिए आगे से ऐसा नज़र आएगा, ये नीचे की फ्रिल बता रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशिया किया है, फिर ये दूसरी चैन पर हमने डबल क्रोशिया एक के अंदर से तीन बार निकाला है, एक चैन में से तीन डबल क्रोशिया, और फिर सिंगल क्रोशिया किया है एक चैन छोड़ के दूसरी में। ये बन गया ना ऐसे, इस तरीके से। अब क्या करना है, जो हमने सिंगल क्रोशिया इसमें से लिया है, इसी में से तीन बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन छोड़ के दूसरी चैन पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये मैंने इसमें किया है। ये लाइन पूरी होने पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह से नज़र आएगा सेम। ये देखिए ये फ्रिल इस तरह से नज़र आएगी, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे से इस तरह से नज़र आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाई है। इसमें मैंने क्या किया है, इसे मैंने यहाँ से बनाया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, या मैंने आठ चैन बनाई है और इसको मैंने यहाँ से चैन डाली है, तो ये डबल क्रोशिया यहाँ पर किया है, सेम इसी यही डिजाइन मैंने यहाँ बनाया पैरों में, ये जो धोती बनाई है। इसमें क्या करना है आपको, या आठ चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया, पर जब आप डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये यहाँ एक इस तरीके से बढ़ानी है। ये देखिए दो लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बढ़ानी है आपको, एक यहाँ से बढ़ानी है डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ाना है, तो ये जो है यहाँ तक बढ़ाना है, ये इस तरह की शेप आ जाएगी। और डिजाइन सेम यही डालना है जो मैंने यहाँ कुर्ते में डाला है। यहाँ मैंने डबल क्रोशिया तीन लाइन लिए, प्लेन लिए, आप इसको चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पर घटाना हुआ, चाहे पैरों से आप इसको शुरू कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है कि आपको कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पैर की शेप है, ये सेम दूसरा पैर भी मैंने ऐसे ही बनाया है। तो इसे मैंने यहाँ तक बनाने के बाद आपस में इसको क्रोशिए से जोड़ा है, और यहाँ मैंने तीन डबल क्रोशिए के फंदे उठाकर, ये देखिए ये आगे का फ्रंट मैं बना रही थी, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर तीन जो उठाए हैं डबल क्रोशिया, तो तीन से मैंने यहाँ पांच बनाए हैं, और फिर यहाँ पर छह बनाए हैं। इसी तरीके से ये शेप आगे की तरफ, आप चाहें तो इसको बनाएं, आप चाहें तो इसे ना भी बनाएं, स्किप कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो सिंगल पीस भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डबल पीस बनाना। इसमें क्या करना है आपको कि एक डोरी यहाँ लगानी है और एक डोरी यहाँ लगानी है और एक डोरी यहाँ लगानी है,
एक इस कमर पे, एक इस साइड से, और फिर आप इस ड्रेस को इस तरह से पहना सकते हैं। गले से ऐसे बांधेंगे और कमर से इस तरह से बांधेंगे, तो आपको पहनाने में भी आसानी रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।